وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله رب العالمين वसलात वसलाम खातमिलम्बिया इबलमरसरी वाल आ रही व मन तब्याम बहसानिन इलाम्दीन अम्माबाग अल्लाह त फ़ल्ल करम है कि हमारे साथ वो मशहूर किताब है जो हमी इस बात की तरफ़ रहनुमाई करती है कि हक़ क्या है सीधा रास्ता कौन सा है सलफ़ का अक़ीदा कौन सा है और कैसे लोग उससे भटके हैं और भटकने के वजूहत क्या हैं तो कुछ इब्तई बातें हम पढ़ रहे थे हमारे सामने वही एक हदीस आज हमारे साथ है अबू अब बिन बबिनु कहते हैं रबी अल्लाह हज जनाब आमिर आब्दाबिनु कहते हैं कि हम मुआविया रज़ी तन के साथ हमने हज किया फल कदीम न मक्का जब हम मक्का आए वहर की नमाज़ पढ़ ली फ़ाल मुआविया बिन नबी सूफिया रज़ी अल्लाह ने फ़रमाया अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फ़रमायाबीन व वीन मिल्ला अहले किताब अपने दीन में बहत्तर फ़िरकों में बट गए अहले किताब यहूद नसारा सेवेंटी टू फिरक़ों में बढ़ गए व इहादी सतफ़तरकोल मिल्ला और ये उम्मत उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहत्तर फ़िरकों में बटेगी 73 थ्री फ़िरकों में बटेगी यानी अल्लाहवा और ये जो फ़िरक़े बनेंगे किसी मुस्ंद दलील की रोशनी पर नहीं बनेंगे अपने ख़्वाहिशात अपनी मर्जी अपनी समझ के मुताबिक बनेंगे कुल्लुहा फिनार इल्ला वाहिदा सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फ़रमाया वही अल जमा वही वह जमात होगी मा मनाली ही वी जैसे दूसरे हदीतों में बयान किया गया कि जिस तरीक़े पर मैं और मेरे सहाबा होंगे उस तरीक़े पर जो जमात चलेगी वो यकीनन जन्नत में जाएगी उसके बाद शदीत का आखिरी टुकड़ा जो आज हमें बहुत ज़्यादा एक पैगाम देता है और जो कुछ हम अपने माशरे में देखते हैं बिल्कुल वही देखते हैं जो इस हदीफ में बताया गया है सदक़ मसदूक अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है व इन नैजो उम्मती अकवा हमारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे वो अपने ख़्वाहिशात नफ्स अपनी मर्जी अपनी जमातों से अपनी हिजबियत से उनको इतनी वी होगी अपने गलत अफकार से उनका इतना जोड़ होगा ताल्लुक होगा कमायत और साहिब जैसे किसी को कुत्ता अगर काट लेता है तो कुत्ते के काटने का जहर उसके गोश से आगे बढ़कर हड्डियों में रस बस जाता है हड्डियों तक पहुंच जाता है लायब عرق कौन वाला मफसिल्ला دخل अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह के नबी वसल्लम की सिद्क़ नबूत की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जैसे कुत्ता कुत्ता जिस आदमी को काट लेता है उसके रग व पै में हड्डियों में जैसे जहर असर कर जाता है वैसे गलत अकायद गलत अफकार और उन गलत जमातों से उन जमातों से वाबस्तगी ताल्लुक़ रखने वालों में वैसे बस जाती है आज हम देख रहे हैं आज हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों को हम नसीहत कर रहे हैं कि आप क्या आप जिन जमातों से वाबस्त हैं वो कुरान सन्नत से हटी हुई जमातें हैं उनके अफकार ग़लत हैं तो वो हमारे जान के दर पर हो जाते हैं लेकिन अपनी गलत फ़िक्र छोड़ने को तैयार नहीं होते वो चीज़ें उनकी दिलों में वैसे बस जाती हैं शायद इसका तजुर्बा आपको भी हुआ होगा आपको भी हुआ होगा कि कैसे कैसे वो लोग हैं हमने एक साहब थे आ, कैसे गलत बातें हैं हमने उनको समझाया कई दिन समझा रहे हैं भाई आपके जो हाथ में तावीज़ है आप इसे निकाल दीजिए वो हर नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है लेकिन उस तावीज़ निकालने पर तैयार नहीं इसलिए कि ऐसे कुछ उसको पढ़ा दिया गया कुछ बातें बता दी गई कि ही आपकी हिरज जान है इसको हिरज जान बनाए रखो तो इसीलिए मुआविया रजी अल्लाह तू ने आखिर में कहा वल्ला या माशरत या अरब, सारे अरब से खिताब करके अरब वालों से खिताब करके वहाँ के आसपास लोगों से खिताब करके उन कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जो दीन छोड़ा है इस पर तुम जमे रहो तबात कदमी से जमे रहो इसलिए कि आप लोग जमे रहेंगे तो दूसरे उस पर जमे रहेंगे तो पहले जहां दीन उतरा है वही लोग पहले उस दीन पर जमे रहें वही लोग उस दीन को साथ लेकर चलें इसीलिए ये हदीस जिसके आखिर में इस बात को बताया गया अल्लाह की कसम अरब के लोगो अगर तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल न किया तो तुम्हारे अलावा दीगर लोग इस पर अमल कैसे करेंगे तो मालूम यह होगा कि सबसे पहले जिनके पास हक होता है उनको उन उसके लिए अमल करना ज़रूरी होता है उलमा हैं, इल्म हैं जो इल्म जानते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस इल्म पर अमल करें सबसे पहले वो उस पर अमल करें ताकि दूसरे लोग उनकी खैर में पैरवी कर सकें इसी तरह एक और चीज़ जो इसमें यहाँ इन्होंने शुबहत का जरा दरवाज़ा अच्छा बंद कर दिया उसको इसी तरह एक और चीज़ जिसका जिक्र इन्होंने यहाँ किया है कि बहुत सारे शुभहत का जिक्र किया तो ऐसे भी ज़िक्र किया कि कुछ फितने ऐसे होते हैं जो जंग व जिदाल की शक्ल में लड़ाइयों की शक्ल में होते हैं कुछ फितने ऐसे होते हैं जो शुबहत की शक्ल में होते हैं ऐसे शुबहत जिनसे आदमी हक़ से, हक से महरूम हो जाता है गुमराही का शिकार हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सबसे बड़े फितने फितने दज्जाल में फंसने से लोगों को मना किया ये बहुत बड़ा फितना है फितने दज्जाल अल्लाह के नबी नबीसम फरमाया कि कई दज्जाल आएंगे अपने अपने झूठ का पलंदा लाएंगे और झूठ को लोगों में मशहूर करेंगे जैसे इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अनु की हदीस है अल्लाह के वसल्लम ने फरमायाबाल अल्लाह के नबीसम फरमाया कि जो दज्जाल के बारे में सुने उससे दूर भागें अब दज्जाल के बारे में किसी को मालूम हुआ कि वो दज्जाल फितना है तो ये नहीं होगा कि आप उसे टेस्ट करने के लिए जाएं कि वो दज्जाल है कि नहीं है दज्जाल का फितना कैसा है तो ये बताई गई कि आप दज्जाल के बारे में सुनते हैं तो उसे दूर भागें आज हमारा मिजाज ऐसे ही है आप लोगों को बताया जाता है कि आग जलाती है तो आप आग को टेस्ट करने जाते हैं कि वाकई क्या आग जलाती है आपको बताया जाता है कि फलाह परस्त है वो अपनी बातों से अपने अकवाल से अपने अफकार से आपको बहका देगा तो आप उसी में पड़ जाते हैं तो इसीलिए कहा गया मनसम आबिद आन जो दज्जाल के बारे में सुने उससे दूर भागे फवल्ला अल्लाह की कसम आदमी उसके पास आएगा और उसके फैलाए हुए शुबहात के सबब उसे मोमिन समझ लेगा और उसकी पैरवा पैरवी कर बैठेगा आज ऐसे होता है बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए ऐसे लोगों की किताबें मत पढ़िए तो वो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल पक्के हैं हमको कोई गुमराह नहीं कर सकता है लेकिन जब उस समंदर में गर्क हो जाते हैं डूब जाते हैं तो पता चलता है कि हम डूब चुके हैं तो सलफ से हमने सुना कि एक बिदात का भी किसी से इरतिकाब होता कोई बिदाती होता तो उसकी एक बात भी वो नहीं लेते थे बोलते थे कि वो बिदाती है उसकी कोई बात हम नहीं करेंगे तफकीम तफकी निशानी यानी किसी बिदाती को आप इज्जत के साथ बोलें उसकी किताबों की तारीफ करें किसी बिदाती को अलखाब नवाजें कहा कि सारी चीजें सलब से साबित नहीं है बिदाती बिदाती होता है उसे पनाह देना उसकी उसकी इज्जत अफजाई करना उसको अच्छे अल्फाज में जिक्र करना गोया आपका उस बिदात को तरवीज देना होता है उस बिदात की आप नशो कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ कहते हैं इसमें बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उम्मत के हक में जो जो फितने आने वाले थे सारे फितनों से लोगों को आगाह फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने यह भी बतला दिया कि उम्मत में गुमराह कुन लोग कैसे होंगे कैसे लोगों को गुमराह करेंगे आज ऐसे होता है हर आदमी हालात से परेशान किसी नेक इंसान की सोहबत में जीना चाहता है किसी नेक आलिम की रहनुमाई हासिल करना चाहता है वही उलमा वहीनत इल्मी का अरतिका करें सही अकीदा लोगों तक न पहुँचाएँ लोगों के अमवाल पर और उनकी तरफ से इज्जत को बटोरने में लगे रहें तो फिर अल्लाह ताला के पास हम क्या जवाब देंगे इसीलिए अबूदर रजियाल्ला तदीत है जिसको गौर से सुने कहते हैं एक रोज़ अबोधर रजी अल्लाह तु कहते हैं कि एक रोज़ मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम का हाथ पकड़े आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के साथ चल रहा था तो मैं आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के घर तक गया आप सल्लल्लाहु वसल्लम को मैं फरमाते हुए सुना मुझे अपनी उम्मत के सिलसिले में दाल से ज़्यादा उसके ज, अलावा का खौफ भी है यानी दज्जाल का जितना डर है उससे ज्यादा का भी डर मुझे अपनी उम्मत के बारे में है तो अल्लाह के नबी वसल्लम से मैंने सवाल करना मुनासिब नहीं समझा यहां तक कि अल्लाह के नबी वसल्लम घर में दाखिल हो गए तो घर में जाने के बाद मैंने पूछा अरे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर दज्जाल से ज्यादा किसका खौफ आप पर है कौन सी बात है जिसको लेकर आप दज्जाल से ज्यादा खौफ रखते हैं आपकी उम्मत के सिलसिले में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुमराह करने वाले कायदीन और रहनुमाओं का ऐसे लोगों का जो रहन, ऐसे लोगों का जो उम्मत को गुमराह करते हैं आपने देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं कितने ऐसे हैं, उलमा हैं जो तरह तरह की बिदातों में उम्मत को गुमराह कर रहे हैं उनसे कब्रों का सजदा करवा रहे हैं उनसे कब्रों का तवाफ़ कर रहे हैं उनसे नज़र नियाज़ की लूट हो रही है ये सारी चीज़ें आवाम कर रही हैं इनके साथ इसलिए कि वो ला इल्म है और जो नाम उलमा हैं जो हक जानते हुए भी हक मानने से मुनकिर हैं तो अल्लाह के वसल्लम ने इनके बारे में कहा कि ये गुमराह करने वाले कायदी हैं और रहनुमा हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बेपनाह फितनों से आगाह किया और चौकन्ना किया। उनमें से एक संगीन फितना जो अल्लाह के नबी नबीसम ने आगाह किया वो उम्मत में इख्तिलाफ़ है वो उम्मत में इख्तलाफ है फ़िरक़ावारियत है और ग्रोही असबियत है एक जमात का दूसरी जमात से असवियत तो को सुनकर ताज्जुब होगा आज भी बहुत सारे ऐसे जमातों वाले हैं जो एक दूसरे को सलाम नहीं करते हैं आप सामने वाले का दाढ़ी चेहरा मोहरा देख के सलाम भी करें तो एक लम्हा सोचेगा पहचानने की कोशिश करेगा कि ये हमारे हैं कि नहीं हैं अगर उसे लगता है कि आप उनके हैं तो सलाम का जवाब देगा नहीं तो सलाम का जवाब आपको नहीं मिलेगा ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी तो लोग हैं हमारा तलख तजुर्बा है हमने देखा है और हमारी आदत भी ऐसी बन गई है कि हम जब किसी ऐसे इस्लामी शनाख्त वाले चेहरे को देख लेते हैं जो काफ़ी टोपी चेहरा दाढ़ी सारी चीज़ें हैं तो दिल से ख़ुद ब खुद सलाम निकल जाता है ज़बान से सलाम निकल जाता है लेकिन सामने सलाम का जवाब न पाकर थोड़ा दिल को कोफ्त होती है बाद में अंदाज़ा होता है कि शायद हम उस जमात के न बर है ये धड़बंदियाँ ये ग्रुप ये जमातें ये ख्वाहिश नफसानी की ग़ुलामी शुबहात और गुमराह कायदीन और रहनुमाओं के फितने हैं जो हर आदमी चाहता है कि मेरी एक जमात हो मेरे फॉलोअर्स हों और मेरी लोग खूब आहााह करें तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं अल्लाह की मोहब्बत को लोगों के दिलों में बिठाऊं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाऊँ अल्लाह का तकद्दस अल्लाह की किबरियाई अल्लाह की आज़मत से लोगों को आगाह करूँ यही काम तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने किया और अल्लाह ताला ने अपने नबी की इज्जत लोगों की निगाहों में बढ़ा दी आप अल्लाह की कद्र आज़मत को बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी कद्र आज़मत को लोगों की निगाहों में बढ़ाते हैं ये उसूल है जो अल्लाह ताला का है अगर कोई ये सोचे कि मैं मेरी दुकान चलती रहे लोग मेरी तारीफ़ करते रहें लोग वाह वाह बोलते रहें तो अल्लाह ताला का ये उसूल है कि जिस चीज़ को लेकर आदमी फ़ख्र नास करता है अल्लाह उसी चीज़ से उसे हलाक करता है मैंने बेहतरीन मिसाल आपके सामने कई मरतबा फ्राउन की दी थी फ्राउन ने भी कहा था हादही मुल्क, मुल्क मिस्र वहा तजरीम इंतहती ये मुल्क ये मिस्र है और ये पानी की नहरें हैं जो इस मुल्क में बहती हैं तो अल्लाह ताला ने उसी नहरों में उसी पानी में डुबो कर आलम के लिए सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान उसे बना दिया तो अल्लाह ताला के लिए आज़मत है किबरियाई है हम इंसान हैं हमारी कोई हकीकत नहीं है और अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे इज़्ज़त देता है वक़त करमना बनी आदम और हम में अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा मुकाम मरतबा अन सैैद उलद आदम वाला फ़खर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे फ़ितनों की बात कही आज दुनिया में वैसे ही फितने हर तरफ़ हैं जो आज हम देख रहे हैं और, और कुछ लोग हैं जो आज भी किताब सुन्नत पर क़ायम हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया मा अन अलैहि आल्योम वह आज मैं जिस तरीक़े पर हूँ और मेरे सहाबा जिस तरीक़े पर हैं वो जमात है जो जमात नजात पाने वाली है वल वजमा फ़िर नाजिया मंसूरा मनसूरा अहल अहले हदीत जो इस नामों से जाने जाते हैं ये सारे के सारे तयफ़ मंसूर हैं जो सही सुन्नत पर क़ायम और दायम है कुछ खामियां, कुछ कमज़ोरियाँ कुछ 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 नकाइज हो सकते हैं बासीत बशर लेकिन इस ये सही अक़ीदे परम दायम हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी फ़िरक़े ऐसे हैं जो नाम लेवा हैं जो आज हम देखते हैं कि सूफिया के कई फ़िरक़ हैं और उन्होंने अपने अपने नाम अलग अलग रख लिए हैं और कुछ अकलानियत जो अक़ल की बुनियाद पर जो जमातें बनी हैं और मतजजिला हैं जहमिया हैं अशायरा हैं मातुरदियाँ हैं ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने सुन्नत का इनकार किया अहादीत का इनकार किया और ऐसे अफकार अपने दिलो दिमाग में सजाए जिससे उम्मत को गुमराह किया और जिनके पीछे उम्मत की एक बड़ी तादाद अंधी बहरी गुमराही में इनके पीछे पड़कर इनहराफ में उमतला हो गई और इतने फितने की कुछ सुझाई नहीं देता कि क्या हक है आदमी को क्या करना है लेकिन इतने सारे फितनों के बावजूद अल्लाह ताला ने हर दौर में उम्मत की रहनुमाई की है और बातिल परस्तों से उम्मत को बचाया है और अल्लाह ने शुबहात और तलबीसात यानी ऐसे जो मिक्स कर देते हैं हक और बातिल को ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने तरबाब इल्म पैदा किए हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म दिया है जो ऐसे सारे लोगों को बेनकाब करते हैं इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों ये हमारे सामने जो हम लोग देखते हैं कि आए दिन अजीब अजीब, अजीब फ़ितने जो लोगों में मुबला होते हैं और जैसे अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद में एक आयत बयान की है सोरतिस आयत नंबर एटी थ्री जिसमें अल्लाह ताला ने बयान किया वाजा अमिन खौफी अज़ाउबी वल्दूलासूरी व इलाम्रम लालिमाहुल्लिन स्तंभ जहाँ उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली तो उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया हालांकि लोग उसे रसूल के और अपने में से किसी ऐसी बातों के तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो उसके हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा कर लेते इस आयत का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज मिलती है तो लोग फितना मचाना शुरू कर देते हैं आज आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि ऐसे जो सारे लोग हैं नए नए बातों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं ताकि उम्मत में फितना बरपा हो और लोग समझें कि ये वाकई बहुत इल्म वाले हैं नई नई बातों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ये तरीका शनफ का नहीं था जो चीज़ उम्मत जानती नहीं है आप उसे कुरेद कुत कर क्यों निकालते हैं क्यों उम्मत को ऐसी बातों में मुबतला करते हैं क्योंकि फितने जो फितने उम्मत में उठते हैं जाहरी तौर पर बड़े रंगीन और मुजय्यन आ रास्ता होते हैं अजीब अजीब फ़ितने अजीब अजीब फ़ितने होते हैं उनका फितना हर एक पर जाहिर नहीं होता लेकिन उलमा समझ जाते हैं आम लोगों को मालूम नहीं होता है कि कौन फितिन है क्या फितना है लेकिन लमा समझ जाते हैं जैसे शेख उम इबनिया रहमल ने फ़रमाया कि जाहिलों को फितनों का शर व फसाद फितना खत्म होने के बाद मालूम होता है समझ में आया आलिमों को कब मालूम होता शुरू होने वो मालूम होता लेकिन आलिमों की बात पल्ले नहीं पड़ती हाँ कब देखो ऐसे बोलते रहते हैं देखा इबन तैम्ला ने फरमाया कि फितनों का शर व फसाद उसके जाने के बाद आम आदमी को मालूम होता है वरना फितने जब आते हैं तो बड़े मुजैन और आरास्ता होते हैं और उनमें खैर और भलाई का गुमान किया जाता है लेकिन जब लोग उनके शर वफसाद कड़वा कड़वापन और मुसीबत व आजमाइश का मजा चखते हैं तो ये चीज़ उनके सामने उसका नुकसान वाजह करने वाली होती है लेकिन लोग फितने का शिकार हो जाते हैं और उनके लिए इस बात का सबक और इबरत होती है कि अब आइंदा ऐसी हरकत ना करें लोग फितने में उतरा इसीलिए हमने कहा कि ऐसे फितने रोनुमा होंगे हर एक को कम से कम एक थप्पड़ तो जरूर लगेगा वो फितना क्या होगा उसे टच जरूर करेगा लेकिन अर्रासखुन फिल इल्म जो लोग इल्म में मजबूत होते हैं उन लोग वो लोग अपनी इल्म बसीरत से फितनों को पहले ही भाप लेते हैं जैसे हसन बसरी रह ने फरमाया इन फितन तजा अकबलत अरफहल आलिम व इजा अध जब फितना आता है तो उसे सिर्फ आलिम साहिब बसीरत जान पाता है और जब फितना चला जाता है तो हर जाहिल जान लेता है कि फितना आया था और गया था ऐब सुख्तियानी हसन बसरी राम के बारे में फ़रमाते हैं कानल हसन यब फितना हसन बसरी फितने के आते ही उसकी संगीनी को ऐसे भाप लेते थे जैसे हम उसे जाने के बाद देखते हैं अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी वसल्लम की वफात के बाद रोनुमा होने वाले फितने फ़ितने फ़ितनेरतदात का मतलब ये था कि अल्लाह के नबी वसल्लम जब वफात पा गए तो बहुत सारे मदीने के आसपास जो बदू किस्म के लोग थे जो अभी अभी मुसलमान हुए थे उन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया बोला कि नहीं अब हम ज़कात नहीं देंगे अल्लाह के नबी वसल्लम जब तक थे हम देते थे तो इर्तिदात का फितना हुआ तो इसीलिए कहते हैं सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तू ने अपनी बसीरत से पहचान लिया कि ये फितना है और सिद्दीक अकबर रजियाल्ला ने ऐलान किया व ही लउन ऊनी कसम खुदा की अगर ये लोग ऊंट की वो रस्सी जो जिससे उस जिसके उसकी नकील बांधी जाती है उसको भी अगर रोक लेते हैं तो मैं उनके खिलाफ जंग करूँगा और जंग काफिरों के खिलाफ होती है तो अबकर सिद्दी रजी अल्लाह तन का यह कहना था कि ये लोग ये चीज़ न देकर काफिर हो गए तो उन्होंने फितने को पहचान लिया वैसे ही खल़ क़ुरआन उसका फितना हुआ फितने खल़ क़ुरआन यानी कुरान मखलूक़ है सुभान ये फितना बड़ा फितना हुआ तो उस वक्त के जो इमाम महलुसन्ना इमाम महमदुबिन उन्होंने अपनी बसीरत से पहचान लिया कि ये फितना है और उस फितने में कई आजमाए गए कई उलमा कत्ल किए गए और नसल दर नसल कई पिड़ी चलता रहा फितना यहाँ तक कि इमाम रहमतुल्लाह को भी कोड़े लगाए गए कैद बंद की सौबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ी और अल्लाह ताला ने उम्मत को इस फितने से नजात दी इसीलिए

जो फितने को पहचान लेते थे तो ये जो किताब हमारे साथ है इस किताब में बहुत सारी बातें हैं सवालात हैं इन सवालत को हम संजीदगी के साथ पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा ऐसा नहीं होगा कि आप एक सुने एक समझें दूसरे से जाकर कुछ और कहें और ऐसा भी नहीं है कि मनहज मनहज के नाम पर सारों को हम गैर मनहज कर दें इसका मनहज अच्छा नहीं है वो मनहज गलत है ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं तो अल्लाह ताला हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इशा अल्लाह ये किताब का पढ़ना हमारे लिए खैर होगा और हम इस नीयत के साथ इसे पढ़ेंगे अल्लाह ताला हक़ हमारे आँखों के सामने रख दे और हम हक़ की पैरवी करें हक़ पर चलें और दूसरों को हक़ की तरफ़ बुलाएँ इसलिए कि आज नए नए फितने हैं जो वक्त के संगीन फितरों में शुमार होते हैं इन फितरों से बचने के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी ठहरा है इन इस किताब को हम पढ़ेंगे और जितना जल्दी हो सके इन इस किताब को हम शुरू करेंगे ये बुनियादी बातें थी जो फितनों के ताल्लुक़ से थी और इस किताब के पढ़ने की ज़रूरत क्यों है आज ऐसे ही फितने रोनुमा हैं इन फितनों से बचने के लिए आपको ज़रूरी होता है जैसे एक बीमार आदमी है बहुत सारी बीमारियां है, हैं वायरल फ़ीवर है तो उनसे बचने के लिए वो कुछ गोलियां खा लेता है ताकि बच सके लेकिन दवा तो होना चाहिए आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन बीमारियों से आलाइशों से मुसीबतों से बच सकें अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे आमीन अलमैकुम वरमि वर्का